नमस्कार। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट, दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा को किया गया चालू। यह कौन सी नई ट्रेन सेवा दरभंगा समस्तीपुर के बीच शुरू हुआ है, इसका पूरा अपडेट एवं विस्तार में जानकारी आपको हमारे चैनल के जरिए मिलेगा। इसी तरह के और भी एवं इस तरह के और भी रेलखंड के बारे में जानकारी एवं लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए और न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर जरूर करें, ताकि जिन्हें यह जानकारी ना मिली हो उन्हें यह जानकारी मिल सके। तो चलिए आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। समस्तीपुर दरभंगा के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बिहार में हो रहे बारिश से कई जगह ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। समस्तीपुर के DCM ने ट्रेनों के पुनः परिचालन की जानकारी दी। आपको बता दें कि समस्तीपुर एवं दरभंगा रेलखंड पर किशनपुर और रामभद्रपुर के पुल संख्या 12 के पास जमीन के धंसने के कारण ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया था। रेलवे के तत्परता दिखाते हुए जल्द ही कटाव को रोकने के लिए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया था और ट्रेन सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। जिन ट्रेनों को रद्द एवं टर्मिनेट के साथ साथ डायवर्ट किया गया था, उस ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है और अब वही पहले ऐसा ट्रेन चल रही है। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने शहर का नाम हमारे वीडियो सेक्शन में अवश्य लिखें, ताकि आपके शहर का हम वीडियो ला सकें।